दुनिया का सबसे महंगा बिहार, जैतवन बिहार सावित्री। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। एक थेर चक्खुपाल होते हैं। थेर मतलब जो धम्म में, अपने जीवन में, नियमों में स्थिर रहते हैं, उनको थेर कहते हैं। जो 10 साल कम से कम स्थिर रहते हैं, पाली में स्थिवर यानी थेर बोला जाता है। चक्खुपाल का नाम है आंख पालने वाला, यानी चक्खु पालने वाला, मगर हैं वो बिल्कुल उल्टे, यानी आंख से अंधे, उनको दिखाई नहीं देता, मगर वो थेर हैं, भिक्खु हैं, भगनवान बुद्ध के सावक हैं, शिष्य हैं। अरहत भी हैं। अरहत का मतलब है जो अपने जीवन में जीते जी सभी राग से, द्वेष से, मोह मूर्ता से, यानी सुख और दुख की जो अनुभूति होती है उससे परे हो जाते हैं, उनका उन पर कोई असर नहीं रहता है। अरहत हो गए, यानी कि दुख की सभी जो आरे हैं, जो चक्र की तिलियां हैं, उनको भग्न कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, भंगी बन चुके हैं। साधना में, विपसना में सभी को रहना होता है, चाहे कोई अरहत हो, चाहे कोई बुद्ध हो, चाहे कोई सोतापन हो या कोई नया सामनेर हो, तो वो भी साधना में रत हैं, विपसना साधना में। क्योंकि अंधे हैं इसलिए उनको ये दिखाई नहीं देता कि जब वो साधना में बैठते हैं तो कितने कीट और पतंगे उनके नीचे आकर दबकर मर गए। जब वो उठते हैं तो आसन से पता चलता है कि बहुत सारे कीट पतंगे मर गए। डेली की उनकी ये दिनचर्या है। क्योंकि धम्म में, साधना में, विपसना में किसी भी कीट को, पतंगे को या जानवर को मारना बिल्कुल अनुचित है, विनय के नियम के खिलाफ है। जो धम्म के भिक्खुओं के नियम हैं विनय, उनके अनुसार कोई किसी जीव को नहीं मार सकता। और यहाँ तो जो भिक्खु चक्खुपाल हैं वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं, और रोज़ लगातार जाने कितने कत्ल, कितनी मौतें वो किए जा रहे हैं, तो पाप लगना चाहिए। अन्य जो भिक्खु हैं उन्हें बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये कैसे अरहत हैं जो इतने सारे जीवों को रोज मार देते हैं। ये बात जब कानाफूसी होते होते आगे बढ़ी तो भगवान बुद्ध के कान तक भी पहुंची। भगवान बुद्ध से जिज्ञासा में बहुत सारे भिक्खुओं ने यह प्रश्न किया कि वैसे तो थेर, भिक्खु, चक्खुपाल अरहत हैं और रोज साधना में कितने सारे कीटों को दबाकर मार देते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उनके जो पिछला जन्म है उसके आधार पर, यानी कि जो उनका पुराना वर्जन है जन्म का, जो उनका पुराना सॉफ्टवेयर है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो पारगामी हैं और वो लोक और लोकोत्तर, यानी लोक माने शरीर और लोकोत्तर माने शरीर के परे, और उससे पूर्व की जो अवस्था है वो भी जान ले लेते हैं विपसना के थ्रू। ये किसी बुद्ध की खास प्रॉपर्टी होती है, खास गुण होता है। तो उन्होंने बताया कि पिछले सॉफ्टवेयर का जो वर्जन था, यानी जो पिछला जन्म था चक्खुपाल का, उसमें वो एक सर्जन थे, एक फिजिशियन थे। तो डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि जो पाली के अंदर डॉक्टर हैं उनको भैषज बोलते हैं, तो भैषज थे। और उनके पास में एक औरत आई थी जो अपनी आंख की रोशनी गंवा चुकी थी। चक्खुपाल ने उसको देखा और उसने को कहा कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उस औरत ने कहा कि अगर आप मेरी आंख ठीक कर दोगे तो मैं आपको फीस के बदले में, इसकी सेवा के बदले में जीवन भर आपकी सेवा करूंगी और आपके सारे काम जो आप बताएंगे वो करूंगी, एक दासी की तरह। चक्खुपाल ने कहा ठीक है, क्योंकि उस समय भैषज थे, सर्जन थे, डॉक्टर थे, और वो दवाई डालने लगे।
धीरे धीरे उसकी आंख ठीक होने लगी, मगर उस औरत को ये डर सताने लगा कि अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मेरी आंख ठीक हो रही है और उसमें रोशनी आ रही है तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी जीवन भर। और वो सेवा करनी नहीं चाहती थी, उसका मन बदल चुका था, इसलिए वो लगातार झूठ बोलती रही कि नहीं, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर से छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। चक्खूपाल को ये पता चल गया कि ये औरत झूठ बोल रही है, इसको दिखाई दे रहा है, और उसने गुस्से में आके ऐसी दवाई डाल दी जिससे उसकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। ये पाप कर्म उसने किया, इस कारण अगले वर्जन में यानी नेक्स्ट बर्थ में, अगले बर्थ में उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा पैदा हुआ। मगर जीवन भर उसने लोगों की सेवा की, लोगों को ठीक किया, लोगों का इलाज किया, उस अच्छे कार्य के कारण वो अर्हत हो गया इस जन्म में। और चूंकि वो अंधे हैं इसलिए उनको पता नहीं चलता, और जो व्यक्ति अनजाने में अगर कोई हत्या करता है या जिसकी जानकारी नहीं होती या इंटेंशन नहीं होती, उसका कोई पाप कर्म उसको नहीं लगता है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि ये धम्म पद की, धम्म दोहे की, धम्म तिपाई की, धम्म चौपाई की, धम्म वर्सेस की, धम्म स्टैंजा, धम्म पैरा, धम्म आयत या धम्म जो भी आप कहें इसको, उसकी ये पहली कहानी है, पहली स्टोरी है, पहली कथा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये सावित्री का जो जैतवन आराम है, जहाँ सारे भिक्कू रमण करते थे और भिक्कुओं को जो रमण करते थे उनको राम बोला करते थे, उसकी कहानी है ये। ये कहानियाँ और भी हैं क्योंकि जो भौट भाषा है जिसको तिब्बत के अंदर बोला जाता है, लिखा जाता है, उस भौट भाषा के अंदर भी एक कहानी चलती है। कहानी वो इस प्रकार है कि दो लड़के होते हैं, राजा के महल के दरवाजे के आगे वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि अगर मैं राजा बन जाता और महल में रहता तो मैं सबका बड़ा कल्याण करता, बड़ा फायदा करता, पूरी जनता को खाना देता, रोजगार देता, पूरी जनता का जो खेती है, पानी है, उसका ध्यान रखता, टैक्स कम लेता, जितने खजाने हैं वो सारे जनता में बांट देता, जनता की सुख और सुविधा के लिए मैं सारे दिन रात काम करता, सभी जनता को मैं पढ़ाता लिखाता। जो दूसरा है वो कहता है कि अगर मैं राजा होता और महल में रहता तो मैं सभी लोगों को हाथियों से कुचलवा देता। दोनों लड़के आपस में बातचीत करके और सो जाते हैं। उधर से राजा की सवारी आती है और राजा की सवारी का जो रथ है वो देख नहीं पाता, उसमें वो लड़का रथ से कुचल के मर जाता है, जो बैड इंटेंशन वाला, जो बुरी भावना वाला होता है, जो सबको हाथी से कुचलवाना चाहता है। राजा रथ को रुकवाता है, देखता है कि दो लड़के थे, एक मर चुका है, उसको दया करुणा आती है और वो दूसरे लड़के को दत्तक पुत्र बनाकर अपने महल में ले जाता है। यानी कि जैसा आपने कम के बारे में खाली सोचा भी है तभी से उसके परिणाम उसी की तरह आने लगते हैं। ये कहानी का सार है। ये जो कहानी बताई है दोनों की, दोनों ये कथा हैं, इसका जो सारांश है यानी जो इसका एसेंस है, जो इसकी गाथा है, जो भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों में और अपने मुंह से जो बात असली कही है, वो धम्मपद नंबर एक में आती है। और धम्मपद नंबर एक यमक वग्गों का पहला धम्मपद है, जो कि पूरे धम्मपद पे और पूरे के पूरे बुद्ध साहित्य का एक तरह से अगुआ है, प्रधान है, प्रिंसिपल है, जो सभी को बताता है कि धम्म बेसिकली है क्या। पहली गाथा होते के बावजूद भी ये सबसे महत्वपूर्ण गाथा है जो पूरे धम्म को बता देती है कि धम्म दरअसल है क्या। गाथा इस प्रकार है, मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनो मया मनसा चे पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग एव वहतो पदं। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोपुब्बंगमा पाली की ये भाषा है, मगर पाली और हिंदी एक ही हैं,
मैं आपको सरल सरल करके बताऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मनो पुब्ब गमा धम्मा, यानी मनो पुब्बंग गमा धब्बा का मतलब है कि मनो पुब माने पूर्व में यानी पहले से, गमा माने होता है गमन करता है चलता है, धम्मा माने इसका गुण है स्वभाव है, यानी मन का पहले से चलना उसका धर्म है उसका स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बातें दुनिया में किसी जानवर के या किसी मनुष्य की जो वो करता है वो सबसे पहले उसके मन में उत्पन्न होती हैं, मन में आती हैं। मनो सेठा मनो मया, मनो सेठा यानी मन सेठा का मतलब होता है जो सेठ है, यानी कि वैसे तो इसको श्रेष्ठ के रूप में बताया गया है मगर सेठा का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रमुख, एक तरह से व्यापारी बोल सकते हैं, जो प्रधान होता है, जो उसका मुखिया होता है, जो उसको होल्ड करता है, जो उसका मैनेजर होता है। यानी कि मन क्या है, मन सबसे ऊपर है, उस मैनेजर है। मनोमया, मनोमया का मतलब है कि मन से ही सारी चीज़ें चलती हैं, मन में आती हैं, मन से ही उत्पन्न होती हैं। मनसा चय पदुठेन, मनसा चय पदुठेन का मतलब है कि कोई अगर, चे माने होता है यदि और पै दुठेन का मतलब है पूरी तरह से दुष्ट द्वारा, यानी पूरी तरह से जो बुरी चीज़ें हैं मन के अंदर, जो दुष्ट भावनाएं हैं, जो खराब भावना है, जो बैड इंटेंशन है उसके द्वारा, यानी कोई अगर मन में बुरी भावना रखकर भासती वा करोती वा, भासती का मतलब है भाषण करता है, भाषण मतलब पुराने समय में जो बोलते थे वो कहते हैं भास रहा है, आज भी कहते हैं अरे भूस रहा है, तो ये तो भूसता रहता है, यानी कि बोलता रहता है। यानी अगर कोई मन में बुरे विचार लाकर बुरी भावना के साथ बोलता है, जब बुरे विचार आते हैं मन में तो कैसा बोलता है, कड़वा बोलता है, गाली बकता है, कर्कश बोलता है, करोती वा, या कोई कर्म करता है बुरा, यानी मन में कोई अगर दुष्ट विचार आ गया और उसके बाद जो काम करता है तो कैसा काम करता है, दुष्ट काम करता है, गलत काम करता है। ततो नंग दुख मन वेति, ततो नंग दुख मन वेति, ततो माने उससे और नंग माने उसको, दुख मन वेति यानी जो वो बुरी बात उसने मन में आई है, जो वो उससे काम कर रहा है बुरी बात के साथ में, बुरी भावना के साथ में, दुष्ट भावना के साथ में, या वो बोल रहा है उससे, उसको दुख मन वेति, दुख मन वेति, ये दो शब्द हैं दुख और मन वेति, यानी दुख है मन है और वेति का मतलब होता है साथ साथ चलना या पीछा करना या उसको फॉलो करना, तो क्या करेगा उससे, उसको दुख उसका पीछा करेगा। चक्कंग एव बहतो पतंग, चक्कंग माने होता है चक्र, जैसे पहिया, जो पहिया चलता है, बहतो माने होता है वाहन, यानी पहले बैलगाड़ी चला करती थी तो बैलगाड़ी का जो पहिया है, जो वाहन है, पतंग, पतंग माने उसका जो पैर है, यानी जो गाड़ी चला रहा है बैल है, जैसे बैल आगे चलता है उसके जो पैर हैं और पहिया उनके पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ चूंकि ये गूढ़ भाषा में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर बहुत दुष्ट भावना से अगर कुछ काम करता है या बोलता है तो दुख उसका ऐसा ही पीछा करता है जैसे बैल के पैरों का पीछा उसकी गाड़ी के पहिए लगातार करते रहते हैं। ये जो धम्मपद एक है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध का पूरा जितना भी वर्क है जो उन्होंने 29 साल की आयु में सीखना शुरू किया और 35 साल की आयु में वो उस पूरे सिस्टम को जान गए जिसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बोलते हैं मनुष्य का, यानी ह्यूमन सॉफ्टवेयर और ह्यूमन हार्डवेयर। ह्यूमन सॉफ्टवेयर यानी कि माइंड मन, जिसका कोई वजन नहीं होता, जैसे सॉफ्टवेयर का कोई वजन नहीं होता, और हार्डवेयर यानी पूरा शरीर जिसमें ब्रेन भी आता है और उसका पूरा का पूरा मटेरियल होता है और पूरा का पूरा वो वजन होता है। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर आएगा और सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर चलेगा। ये हम आज के समय में बहुत आसानी से एक छोटे से मोबाइल से या कंप्यूटर से भी समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो पूरा का पूरा, भगवान बुद्ध का जो पूरा का पूरा वर्क है वो सॉफ्टवेयर ह्यूमन का और हार्डवेयर ह्यूमन का इसको लेकर है। उन्होंने मन और मस्तिष्क में सारा काम किया है। तो वो कहते हैं कि जब कोई काम हमें करना होता है सबसे पहले वो हमारे मन में आता है,
मनोपुब्बंगमा धम्मा, यानी कि मन में सबसे पहले पूर्व आता है, पहले आता है, ये उसका धर्म है, ये उसका गुण है। तो आप लगातार जीवन में देख सकते हैं कि अगर आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है तो सबसे पहले मन में आता है, जो डायरेक्शन आती है मन में आती है, कोई काम करते हैं तो मन में आती है। मनो सेठा मनोमया, यानी कि मन ही सबसे ऊपर है, प्रधान है, और मनोमया का मतलब है कि मन से ही सब पैदा होता है, मन में ही सारा बनता है। और मन से अगर कोई दुष्ट भावना लेकर कोई काम करता है या बोलता है तो दुख उसका ऐसा ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के पैर का पीछा उसका पहिया लगातार करता रहता है। नेचुरल सी बात है कि बैल अगर गाड़ी चलाएगा तो पहिया साथ चलेगा, तो साथ साथ ही दुख भी चलता रहेगा। तो यहाँ पहले पद के अंदर जो मन की प्रधानता बताई है और मन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया है, बेसिकली यही धम्म का सार है कि सब कुछ यहाँ मन के ऊपर ही चलेगा। धन्यवाद। अगर आपने विजुअल्स के साथ में या लिखित के साथ में या गाथा और कथा के साथ में अगर आपने वीडियो देखना है तो आप टीम 22 यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, धम्मपद या धम्मपद सुधीर राज सिंह मेरा नाम अगर आप डालेंगे तो आपको सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। धन्यवाद।